hello my friends welcome to under 24 7 regulatory body signal i am your mentor Veer, and i welcome you all in a very important banking and financial awareness series Jiha, we are running a dedicated series for the preparation of rbi sebi and other regulatory exams and today's topic is nbfc non-banking financial companies so chalye, without wasting any time let's get started बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यू कैन डाउनलोड आर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड थ्रू दिस ऐप न चेकआउट द्री मेटीरियल इन टर्म्स ऑफ करंटेस मैगजीन एंड सो मच एंड अगर आप आप प्रीमियम चेकआउट करते हैं तो उस एक आपको additional discount है, जिसके बारे में एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के नीचे जल्दी से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए उसी के बराबर में बेलाइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आर वीडियो दोस्तों बात करते हैं एनबीएफसी की एनबीएफसी को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म होती है शेडो बैंकिंग उसको समझना जरूरी है शेडो बैंकिंग ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बट इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ रेगुलेटरीज ठीक है लाइक आप, like आप देखो गांव में मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं तो दे आर नॉट रेगुलेटरी सुपरविजन तो उसी के रिगार्डिंग ये टर्मोलॉजी दी गई है शेडो बैंकिंग तो एनबीएफसी एनबीएफसी भी एक तरह से शेडो बैंकिंग को रेगुलराइज करने के लिए जो लेंडिंग की चली आ रही है उसको रेगुलराइज करने के लिए टर्म दी गई है एन तो दीज आर दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग एंड डिपोजिट बट बट दे आर नाउ बिकॉज दे अ डेडिकेटेड नेम

तो उसके लिए अपने को पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग समझने है। तो चलिए पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी देखो आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 45 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूछा जा सकता है एस में भी और आरबीआई में भी की अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट एनबीएफसी आर बीइंग डिफाइंड ठीक है तो सेक्शन 45 आई एफ ठीक है इट इज ए फल इंस्टीट्यूशन ठीक है पहली चीज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज ए कंपनी एंड इट्स प्रिंसिपल बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस इज रिसीविंग ऑफ डिपोजिट और लेंडिंग ठीक है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बैंक की तरह ही लग रहा होगा क्योंकि बैंक का भी एक तरह से प्रिंसिपल बिजनेस इज डिपोजिट एंड लेंडिंग एंड थर्ड क्राइटेरिया इज सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज आरबीआई में विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई तो एनबीएफसी को अगर मैं डिफाइन करूं एक सिंगल लाइन में दीज आर द फिनेंशियल द कंपनी दैट आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ठीक है प्राइमरी बिजनेस और प्रिंसिपल बिजनेस को यहां पे डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया इसका भी अभी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एनबीएफसी होते हैं दे कैन नॉट एंडल्ज इन सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज और वो एक्टिविटीज कौन सी हैं तो एनबीएफसी की जो प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया है वो क्या है दोस्तों की यहाँ यहाँ एक कोई भी एंटिटी एनबीएफसी कहलाएगी अगर फॉलो द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया दैट मीन उनके जो टोटल अलट्स का फिफ्टी परसेंट्स होने चाहिए होंगे दे आर हाईली इन लिक्विड फॉर्म लाइक कैश हो गया डिपोजिट इन द बैंक हो गए ठीक है तो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट तो ये हाईली लिक्विड फॉर्म हो गई तो ये ये इन्वेस्टमेंट हमारे ये एसेट्स कहलाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स तो 50% परसेंट जो एसेट्स हो कंपनी के टोटल वो फाइनेंशियल एसेट्स मोर ओवर जो कंपनी का टोटल ग्रॉस रेवेन्यू हो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू जो होगा दैट शुड कम फ्रॉम दीज एसेट्स ठीक है तो यानी कि आपने देखा जो बैंक या फिर सॉरी बैंक की बात नहीं करें जो कंपनी डिपॉजिट और लैंडिंग के बिजनेस में है मींस उसका 50 परसेंट से ज्यादा रेवेन्यू फिनेंशियल असेट्स के तौर पे मिलना चाहिए या उससे मिलना चाहिए ठीक है तो प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया आपको समझ में आया कि कैसे डिफाइन करेंगे एनबीएफसी को पहली चीज

क्योंकि देखो बैंक भी कहीं ना कहीं बैंक भी कहीं ना कहीं डिपोजिट लेंडिंग में इन्वॉल्व रहता है ये कंपनी कैसे अलग होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले एक क्राइटेरिया तो हो गया आपका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया दैट विल बी अप्लाइड ऑन एनबीएफसी एंड हाउस दे कैन बी डिफाइंड ठीक है तो अगर हम एनबीएफसी और बैंक के बीच में अगर आप डिफरेंस क्योंकि दिमाग में आ रहा है ना शुरुआत से हम बात कर रहे हैं डिपोजिट लेंडिंग डिपोजिट लेंडिंग तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं देखो कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट दो तरह के डिपॉजिट होते हैं डिमांड डिपॉजिट एक टर्म डिपॉजिट डिमांड आपका जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो होता है दे आर टाइप ऑफ डिमांड कि जब आप चाहें, तब पैसा निकाल लें ठीक है यह फैसिलिटी बैंक्स में अवेलेबल होती है एनबीएफसी में नहीं होती है एनबीएफसी में आपके पास टर्म डिपोजिट का ऑप्शन होता है वही डिपोजिट एक्सेप्टेड बाई एनबीएफसी एनबीएफसी जो भी डिपोजिट एक्सेप्ट करेगा दे आर नॉट

बैंक्स तो हमारे होते ही हैं यू कैन यूज यू कैन ड्रॉ द चेक्स यू कैन ड्रॉ द डिमांड ड्राफ्ट ठीक है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सो मेनी फैसिलिटीज आर बिंग अवेलेबल तो बैंक आर पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ठीक है तो एनबीएफसी और बैंक के बीच में जो अभी तक आपको लगा होगा कि यार ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं तो वो सेम नहीं है कैसे नहीं है वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया कोई डाउट है तो मेरे को चैट सेक्शन में बोलो अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं तो अभी तक अगर आप देखो अभी तक अगर आप देखो तो हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं एनबीएफसी का मीनिंग डिस्कस कर लिया उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया एक क्वेश्चन आपका बन सकता है शेडो बैंकिंग से वो हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तो दीज आर द फैक्टर्स अब हम बात करते हैं दोस्तों जल्दी से टाइप ऑफ एनबीएफसी तो पहला होता है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज के बेसिस पे देर आर टू टाइपीएफ वन इज डिपोजिटिट लेती है दूसरा जो नहीं. Kind of तो NF, तो अगर आप ये एक्रोनिम देखो एनडी अब आई थिंक आपको क्लियर होगा दे आर नॉन डिपोजिट टेकिंग एंड ये जो नॉन डिपोजिट टेकिंग है ये फर्दर कैटेगराइज होती है बेस्ड ऑन द टोटल एसेट्स ठीक है तो अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो दे विल बी कैटेगराइज एज एनबीएफसी नॉन डिपोजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट ठीक है एनबीएफसी एनडीएसआई अगर 500 करोड़ से कम है तो नॉर्मल एन एनडी तो ये तो हमारा कैटेगराइजेशन हो गया बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज एज वेल एज साइज साइज मतलब इन टर्म्स ऑफ एसेट्स ठीक है देन एक और कैटेगराइजेशन होता है दोस्तों बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज इन विच देव लाइक अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस में इन्वॉल्व है में है, में है है फैक्टरिंग और एनबीएफ सिर्फ लैंडिंग uh, और इसमें नहीं होते दे आर ऑल्सो बिजनेस लाइक पेंशन में भी है इंश्योरेंस में भी है ठीक है तो इस वजह से एक्टिविटी बेस पे देखो आप पूरा कैटेगराइजेशन देख सकते हो उसमें आप जैसे आपने बहुत सारी देखा होगा बजाज होम फाइनेंस ठीक है तो वो सारी चीजें क्या है दे आर काइंड देआर का ठीक है अगर एक्टिविटी बेस्ड देखोगे तो बहुत लंबा क्राइटेरिया है मे बी इन सम अदर सेशन वी विल कवर दैट अप कि डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे जो है आई थिंक आर अराउंड 16 टाइप ऑफ व्हिच वी नीड टू कवर तो मे बी किसी और सेशन में उसको कवर करेंगे अभी के लिए अभी के लिए अभी जो आप देख रहे हो एनबीएफसी मैंने अभी आपको बताया कि ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी हो सकती है पेंशन में भी हो सकती है तो सिर्फ बैंकिंग में एनबीएफसी इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ डिपॉजिट एंड लेंडिंग में इन्वॉल्व नहीं है दैट मींस

लैंडिंग एंड एंड तो दे आर रेगुलेटेड उनके पास मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए दो करोड़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कभी भी पूछा जा सकता है ये पॉइंट अपन भूल गए थे पहले तो अब बता दिया ठीक है देन नेक्स्ट इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है आई आर डी आई तो उनको वहां रजिस्टर करना पड़ेगा पेंशन फंडी ए म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज निधि कंपनीज दीज आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ध्यान रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है आगे भी पूछा जा सकता है सेबी में भी आरबीआई में भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन चिट चिट आर रेगुलेटेड द रेस्पेक्टिव स्टेट हैवर्नमेंट ठीक है तो एनबीएफसी का आई थिंक दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा दोज हुआ बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटेड बाई दी आरबीआई

करेंगे क्योंकि सेबी में देखिए आरबीआई वगैरह इतना डिटेल में नहीं जाता बट सेबी कभी-कभी पूछ लेता है इन डेप्थ कि जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनबीएफसी है इसके लिए मिनिमम नेट ओन फंड या कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो वो फैक्टर्स कभी-कभी सेबी पूछ सकता है क्योंकि एनबीएफसी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में स्पेशली इन सेबी सेबी में बहुत फैक्चुअल नॉलेज के क्वेश्चंस वो पूछता है तो वहां पे हम किसी और सेशन में इसको कवर करेंगे तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा इतना छोटा सा दस मिनट में तो यही तो अपनी खासियत है बी ए प्रो इन टेन मिनट्स ठीक है तो दोस्तों का आपको आइडिया लग गया है तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप आपको सेशन में मजा आया मजा आया तो डूबी में थम्सअप एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अभी जो हमारे आरबीआई के रिलेटेड इनिशियटिव है आरबीआई एंड सेबी के रिलेटेड जो है, वो हमारा शेड्यूल है सुबह नौ से आई एम सॉरी आज क्लास थोड़ी सी मिनट लेट हो गई है तो जो हमारा शेड्यूल रहेगा नौ पंद्रह से हमारी क्लास रहा करेगी सुबह मंडे को हम करेंगे टॉप टेन करंट अफेयर्स जो मतलब टॉप टेन नहीं उसमें मतलब इट बी इट विल बी लाइक आपका सारा करंट अफेयर्स वहां पे कवर हो जाएगा सिर्फ दस क्वेश्चन नहीं होंगे देन नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम करेंगे एक स्टैटिक टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्स्ट डे हम करेंगे टेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिनेस स्टेटिकॉइंट ऑफ व्यू से पूछेक्स्ट डे हम करेंगे, उसके हम करेंगे तो आपको यह सुबह का स्लॉट अपने लिए बिजी नहीं रखना फ्री रखिए जस्ट डू एंडल्स विद डू मिक्स विद ताकि आपको प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प मिलती रहे तो आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा आरबीआई की रिगार्डिंग स्पेशली फिनेंस एंड मैनेजमेंट ठीक है एंड सेबी के रिगार्डिंग और एक और चीज दोस्तों चार बजे हमारा स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स का सेशन होता है तो उसको भी यू कैन चेक इट आउट बिकॉज स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर फेज टू ऑफ एनी एग्जाम एंड एज वेल एज फेज वन ऑफ एनी एग्जाम दीज आर जस्ट फ्री इनिशिएटिव तो जस्ट डू ज्वाइन अस एट नाइन फिफ्टीन एंड फोर पी ऋषभ ऋषभ टारगेट इन टर्म्स ऑफ आप मेरे को थोड़ा सा स्पेसिफाई करो आप टारगेट किस किस आ, रेस्पेक्ट में बोल रहे हो फेज वन के मार्क्स फेज टू के मार्क्स किस रेस्पेक्ट में ठीक है तब तक मैं अपने जो हमारे बता देता हूं बैच स्टार्टिंग फ्रॉम सेवनटीन तो अगर कोई, इसी में करना, चाहता है, अगर कोई में करना चाहता है जो अभी चल रहा है तो they,

लेकिन इसके किसी भी किसी भी कोर्स की आपको एक्चुअल प्राइस पे नहीं करनी ऋषभ मैं एक सेकेंड बताता हूं बस आपको क्या करना है जब आप किसी भी कोर्स के बाय लिंक में जाएंगे तो वहां आप कोड अप्लाई कर सकते हैं वाई फाइव एट वन जब ये कोड अप्लाई करेंगे तो यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ अप टू सेवेंटी एट परसेंट वेन्यू बाइट फ्रॉम द जिसके बारे में मैंने इनिशियली बताया था देखो टारगेट तो ऋषभ अपने को ये रखना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो बट अभी अगर आप देखो ट्रेंड्स 2021 से कट ऑफ 65 आ, 65 कट ऑफ थी 22 में फेज वन की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। फेज वन में कट ऑफ आपकी अराउंड 63.75 आई थिंक अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो तो क्या यही कट ऑफ रहेगी देखो ओवर द इयर्स आरबीआई की कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है 2018 में कट ऑफ वाज अराउंड 100 105 आई थिंक एंड 2019 में 122 कट ऑफ थी एंड 2021 में सीधे 66. तो देखो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप आ, ये कोशिश मतलब मेरा ये सजेशन ये है कि आप फेज वन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश ही करो बट जो अभी करंट ट्रेंड लग रहा है जो करंट ट्रेंड लग रहा है उसके अकॉर्डिंग एक अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट नब्बे क्वेश्चन का विद हाई एक्यूरेसी काफी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा अगर जो अभी करंट लेवल चल रहा है सेम लेवल का पेपर आया तो एट्टी नाइनटी क्वेश्चन वुड बी ए वेरी गुड अटेम्प्ट ठीक है बाकी तो देखो एग्जाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं फेज टू के रिगार्डिंग एटलीस्ट 200 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए तो कोशिश करिए ठीक है 190 तो मस्ट हो जाता है उससे कम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो आई थिंक ऋषभ आपके क्वेरी का आंसर आपको मिल गया होगा इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन पोस्ट द कमेंट सेक्शन तो दोस्तों आई थिंक आपको ऑफरिंग का भी पता लग गया अगर आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो यूज द कोड वाई फाइव एट वन एंड यू कैन गेट वेरी हैंडसम डिस्काउंट ऑन आर ऑफरिंग्स सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप सेशन में मजा आया मजा आया तो डू यू मेथ थम्स अप डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो द अदर स्टैटिक टॉपिक दैट इज ट्रबलिंग यू एनबीएफसी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है सो गाइज आई एम योर इंटरव्यू नाउ साइनिंग आउट